हेलो फ्रेंड्स, रुचि जात की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़। आलू के पापड़ घर में बनाना बहुत आसान है, बस हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है जिससे कि ये पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़े से आलू ले लिए हैं, तो हम मीडियम साइज के आलू लेंगे और मैंने ये लंबे वाले लाल आलू का इस्तेमाल किया है जिन्हें पहाड़ी आलू भी कहते हैं। तो इस आलू से आलू के पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे। तो इसके लिए कुकर में आलू डालेंगे। तो आलू हमें मीडियम साइज के लेने हैं, मतलब कि ना आलू बहुत ज़्यादा बड़े हों ना बहुत छोटे। तो हम आलू को कुकर में डालकर इन्हें एक बार धो लेंगे और फिर उसमें पानी डालकर उबालेंगे। यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है, अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। तो आलू में हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे आलू बस थोड़े से भीग जाए। बस हम इतना ही पानी डालेंगे। अब हम इसे बंद करके उबाल लेंगे। तो हमें आलू को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, हम आलू को मीडियम फ्लेम पर बस 2 सीटी आने तक उबालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आलू उबल गए हैं और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आलू को मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया है। आलू उबालते समय ध्यान रखना है कि आलू फटने नहीं चाहिए, नहीं तो आलू के अंदर पानी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम इन्हें इतना ठंडा होने देंगे कि हमारा हाथ इन्हें छू सके, उसके बाद हम आलू को छील लेंगे। तो ये आलू थोड़े से ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें छील लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को छील लिया है, अब हम लोग इन्हें कद्दूकस में किस लेंगे। तो बहुत सारे लोग आलू का पापड़ बनाने के लिए आलू को सिलबट्टे पर पीसते हैं, लेकिन फ्रेंड्स सच मानिए, हमें इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना तो आलू को सिलबट्टे पे पीसने की जरूरत है और ना ही पापड़ को धूप में जाके सुखाने की या बनाने की जरूरत है। आज हम पापड़ को कमरे में पंखे के नीचे बैठकर बिल्कुल आराम से बनाएंगे और आधे घंटे में ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को खूब अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम लोग इसमें स्वादानुसार मिलाएंगे नमक। तो नमक डालते समय थोड़ा ध्यान रखें कि नमक हमें हल्का कम ही डालना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद इसमें नमक थोड़ा तेज लगने लगता है। साथ ही इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें आलू में और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक, मिर्च और जीरे से आलू के पापड़ का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। अगर हम इसमें और कोई मसाला ऐड कर लेंगे तो पापड़ लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, खराब हो जाते हैं। और सिर्फ नमक मिर्च के पापड़ जो होते हैं, ये आप साल भर तक स्टोर करके बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर आलू में मैंने बहुत अच्छे से नमक और मिर्चा को मिला लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू में कितना अच्छा लचीलापन है, इससे ये पापड़ बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से पापड़ का स्वाद भी बढ़ता है और पापड़ में लचीलापन आता है, आलू में लचीलापन आता है, जिससे पापड़ बनाना आसान हो जाता है। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं आलू का कितना बढ़िया डो जैसा बन गया है। तो ये आलू का डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो हाथों को पहले थोड़ा सा सरसों तेल लगा लेंगे, अब हम इसकी लोई बनाएंगे। तो जितनी बड़ी पापड़ आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लोई बनाएं। अगर आपको पापड़ को फ्राई करके खाना है तो थोड़े छोटे साइज के पापड़ बनाएं, और अगर इन्हें सेक कर इस्तेमाल करना है, ड्राई रोस्ट करना है, तो पापड़ थोड़ा बड़ा बनाएं, छोटा रहेगा तो इन्हें सेकने में आपको परेशानी होगी। तो इस तरीके से हम सभी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। आलू के पापड़ बनाने के लिए सभी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। मैंने लगभग 1.5 किलो के आलू उबाला था और उससे ये मीडियम साइज के 25 लोइयां बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब पापड़ बनाना शुरू करते हैं। पापड़ बनाने के लिए हम लोग प्लास्टिक के सीट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का सीट लिया है।
इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएंगे। अब हम लोग एक लोई को इसके ऊपर रखेंगे। अब एक दूसरी प्लास्टिक सीट से इसे कवर करेंगे, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब हम लोग इसे बेलन से बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे अपनी उंगलियों की सहायता से चारों तरफ से एक सार कर लेंगे, जिससे पापड़ का एक परफेक्ट शेप बनकर तैयार हो जाए। पापड़ को सुखाने के लिए हम लोग एक प्लास्टिक की सीट का इस्तेमाल करेंगे और प्लास्टिक के सीट के ऊपर पापड़ को आराम से पलट देंगे। ऊपर से प्लास्टिक हटा देंगे। देखिए कितनी आसानी से पापड़ प्लास्टिक से निकल आता है। इसी तरीके से हम सभी पापड़ बेलकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं सभी आलू के पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें ऐसे ही पंखे के नीचे 8 से 10 घंटे के लिए रहने देंगे और 8 से 10 घंटे में ये पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पापड़ को पंखे के नीचे सूखते हुए लगभग 10 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हैं। यहाँ मैं एक पापड़ को आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सूख कर तैयार हुए हैं। अब आप चाहें तो इन्हें 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दें और उसके बाद इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें और साल भर तक ये पापड़ बिल्कुल आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अब मैं आपको इन पापड़ को तल के और सेक के भी दिखाती हूँ। पापड़ को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाया है और इसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल को हम लोग बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें एक पापड़ डालेंगे इस तरीके से। आलू के पापड़ बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया पापड़ फ्राई हुआ है और ये अच्छे से फूला है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब मैं आपको एक पापड़ ड्राई रोस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो पापड़ को ड्राई रोस्ट करते हैं। आलू के पापड़ को हमें बहुत जल्दी जल्दी टर्न करना होता है, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पापड़ को बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पापड़ को फ्राई भी करा है और ये ड्राई रोस्ट भी करा है। आप देख सकते हैं पापड़ कितने क्रंची, कितने बढ़िया बने हैं। ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आलू का पापड़ बनाने का मेरा तरीका। आप भी बनाएं, साल भर के लिए स्टोर करें और जैसे मन करे या तो फ्राई करके या ड्राई रोस्ट करके इसे खाएं। चाय के साथ आलू के पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। फ्रेंड्स, ये था आलू का पापड़ बनाने का मेरा तरीका। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।